आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ई केवाईसी के बारे में। आप सबको मालूम होगा फ्रेंड, हाल ही में एक नया अपडेट आया है पीएम किसान ई केवाईसी में। जिनका आधार ओटीपी से केवाईसी नहीं हो रहा है वो अपना बायोमेट्रिक से केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे फ्रेंड वेबसाइट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है, जिनमें कुछ लोगों का डिवाइस में लाइट नहीं आ रहा है, सर्वर अनअवेलेबल दिखा रहा है, और कुछ लोगों का डिमांड ये भी फ्रेंड कि पीएम किसान ई केवाईसी में बायोमेट्रिक की जगह आपको आयरिस स्कैनर देना चाहिए। तो क्या आपको आयरिस स्कैनर मिलेगा और आपके सभी प्रॉब्लम कैसे फिक्स होंगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। साथ ही साथ फिर मैं आपको ये बताऊंगा अगर आप इसकी कंप्लेंट करना चाहें तो कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट करने का तरीका क्या है, मैं लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना फ्रेंड, जैसा कि आपको नया अपडेट से कंपल्सरी कर दिया गया था कि आपको यहाँ पर इसकी केवाईसी करना बहुत जरूरी है, इसकी एक डेट दी गई थी। ऐसे में फ्रेंड मेरे पास कमेंट आए इसकी डेट को आगे बढ़ाया गया तो कितना आगे बढ़ाया गया है, और फिर जो वेबसाइट नहीं चल रही है इसका क्या सोल्यूशन है, और अगर आप कंप्लेन करना चाहें तो कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल था फ्रेंड, क्या हमें इसमें आयरिस स्कैनर देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। कुछ मेजर प्रॉब्लम है फ्रेंड जो सभी लोगों के पास आती थी, जैसे में जनरल यूजर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ये केवाईसी प्रॉब्लम के लिए था, जिनमें नो रिकॉर्ड फाउंड आता था। और जो लोग फिर हमारे सीएससी वेली भाई हैं वो बायोमेट्रिक से ऑथेंटिकेट करते थे, उनके पास क्या प्रॉब्लम आती थी, उनके यहाँ फिर डिवाइस में लाइट नहीं जलती थी या फिर नेटवर्क इरर आता था, जिनमें यहाँ से XML या HTTP रिक्वेस्ट इस प्रकार आता था या फिर फेल टू लोड, आपको इस पर ये प्रॉब्लम आती थी। यह तो फ्रेंड आपके पास नेटवर्क इरर आ जाता था, लिखा जाता था ए नेटवर्क इरर यहाँ से एक्वायर्ड, या फिर आपको सर्विस इज अनअवेलेबल। ये फ्रेंड सर्विस इज अनअवेलेबल का मतलब यह है कि यहाँ से जो वेबसाइट है उसमें फिर यहाँ से भार ज्यादा हो गया है, ज्यादा वर्क चल रहा है इसमें, जिसको NIC ही ठीक करेगा, तो यहाँ इसके कारण ये दिखा रहा था। और आयरिस डिवाइस इसमें ऐड होगा या फिर ऐड नहीं होगा, ये सारे प्रॉब्लम आपको यहाँ से थे। और कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल भी थे कि इसमें आयरिस डिवाइस ऐड होगा या फिर आयरिस डिवाइस ऐड नहीं होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड NIC ने बहुत जल्द यहाँ से आयरिस डिवाइस ऐड करने का निर्णय लिया है, जिनमें यहाँ से देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा कैप्चा फॉर EKYC मंत्र आयरिस V2, यानी फ्रेंड इसमें उनका द्वारा वर्क किया जा रहा है NIC के द्वारा आयरिस स्कैनर आपको देने के लिए, जिनमें आपके पास पहले अगर यहाँ से अपना आधार कार्ड नंबर कैप्चा डाल के यहाँ से सबमिट करते थे आपसे एक मोबाइल नंबर मांगा जाता था। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर 4 अंक का कोड OTP डाल के आप सबमिट करते थे, सबमिट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार डिवाइस के कई सारे ऑप्शन आ जाते थे, जिनमें आप EKYC कर सकते थे। यहाँ से जिनमें मार्पो मिल जाता था मंत्रा स्टैटिक का, यहीं से आपको आयरिस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से फ्रेंड NIC के द्वारा यहाँ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल साइट में बहुत जल्द ये अपडेट किया जाएगा, अब आपको ऐसे आयरिस स्कैनर भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप इसका भी यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। और फिर मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आए थे कि इसकी जो लास्ट डेट थी वो फिर बढ़ा के कर दी गई थी 31 जो यहाँ से मार्च 2022, तो इसे कब बढ़ाया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमने एक स्क्रीनशॉट को इसमें ऐड किया हुआ, जिनमें बताया गया विषय क्या पीएम किसान योजना के अंतर्गत EKYC के संबंध में, जिनमें इसके तिथि को आप यहाँ से देख सकते हैं, बताया गया कि अंतिम तिथि जो थी 31/3/2022 से बढ़ाकर 31/5/2022 कर दिया गया है, यानी फ्रेंड केवल 9% लोगों का अभी तक यहाँ से KYC कंप्लीट हो पाया था, जिसके कारण इसकी डेट को यहाँ से आगे बढ़ाया गया है। तब आप फ्रेंड घबराइएगा नहीं, बहुत आसानी से अपनी KYC को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड आप में से काफी सारे लोगों का सवाल ये भी था, यहाँ से ऐसे एक यहाँ से जो प्राइवेट किसकी साइड में आते थे यहाँ से अपने डिवाइस को काफी सारे लोग स्कैन कर लेते थे और यहाँ से वर्क भी करता था, लेकिन फ्रेंड काफी सारे लोगों का डिवाइस वर्क नहीं कर रहा है, जिनमें आप यहाँ से देख सकते हैं पीएम किसान पे आप इसमें क्लिक करेंगे, इसके बाद ऐड एक्सटेंशन कर लेंगे तो यहाँ से आपका एक्सटेंशन ऐड हो जाता था। ये काफी सारे लोगों में वर्क करता था लेकिन काफी सारे लोगों का वर्क नहीं करता, क्योंकि फिर ये देख सकते हैं प्राइवेट से यहाँ से पोर्टल है, कब तक ये एक्सटेंशन वर्क करता है, कब ये बंद हो जाएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन यह नहीं दिया गया है, जिनमें काफी सारे लोग इसके प्रीमियम परचेज करते थे। अगर आप यहाँ से ट्रायल करना चाहेंगे तो ये 7 डे फ्री रहता है, आप इसे ट्रायल भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको इसे साइनअप करना है, लेकिन फिर NIC के द्वारा बोला गया कि आपको सबसे पहले इनमें जाके लॉग इन करना है और यहाँ आपको एक कंप्लेन दर्ज करनी पड़ेगी।
अगर फ्रेंड आप में अभी इस प्रकार से आप यहाँ से आके सीएससी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं पीएम किसान ई की सम्मानित योजना की साइट में जाके, तो आप यहाँ से कॉल करके भी पूछ सकते हैं, फिर अपनी कंप्लेंट को भी दर्ज कर सकते हैं। और फ्रेंड जो लोग आप यहाँ से आयरिस स्कैनर की डिमांड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से कंप्लेंट दर्ज करना पड़ेगा। इसके लिए फ्रेंड आपको करना क्या है, servicedesk.nic.in इसकी आपको ऑफिशियल साइट में आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। यहाँ से आएंगे फिर तो देख सकते हैं टोल फ्री नंबर दिए गए, आप इस नंबर में कॉल करके भी जो जानकारी चाहिए आप यहां से जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा फिर यहां से देख सकते हैं आपको अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका नंबर यहां से एनआईसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर करने के लिए फिर यहां से देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिल जाता है रजिस्टर योर कंडिया से कंप्लेंट, आपको सबसे पहले एक मोबाइल नंबर डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको ओटीपी डालने हैं, ओटीपी डाल के जैसे सबमिट करेंगे तो ऑथेंटिकेशन को सक्सेसफुल किया जाएगा। सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ से आप जो डिटेल यहाँ से क्रिएट कर रहा है, यानी जो कंप्लेंट कर रहा है उनका पूरा डिटेल चाहिए। सबसे पहले फुल नेम रहना चाहिए, एक ईमेल आईडी, जो मोबाइल नंबर आप दिए रहेंगे वो मोबाइल नंबर यहाँ शो करेगा। इसके बाद फिर लैंडलाइन नंबर आपके पास है दे सकते हैं, ओरिजिनेशन आप यहाँ से डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अगर फिर एक ही नंबर से एक से ज्यादा लोग आप यहाँ से कंप्लेंट करना चाहते हैं तो यहीं से देख सकते हैं ऐड बटन का ऑप्शन मिल जाता है, आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मल्टीपल लोगों को आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको सबसे पहले स्टेट को सेलेक्ट करना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से यूजर टाइप में आपको देना पड़ेगा आप किस टाइप में यूजर हैं, अगर नहीं है फिर तो आपको यहाँ से जनरल पब्लिक को सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको अपना ऐसे फुल एड्रेस फिल करना है। जब ये सारी जानकारी फिल जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर्ड योर कंप्लेंट, आप किस कारण से कंप्लेंट करना है, सर्विस प्रोजेक्ट के बारे में आपको यहाँ से देना है, और इसके बाद एक डिस्क्रिप्शन आपको डालना है कंप्लेंट के बारे में, किस लिए आप ये कंप्लेंट करना चाह रहे हैं। इसके बाद फिर आपको इस टर्म को एक्सेप्ट करके सबमिट पे क्लिक करना है। इस प्रकार आपके यहाँ से सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाने के बाद फिर आप अपनी कंप्लेंट का प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं, जो भी आपकी कंप्लेंट में कितना एक्शन लिया गया उसका प्रीव्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार फिर आप यहाँ से आके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, जिनमें आप सर्विस लोड है या फिर आपकी चाहे वेबसाइट यहाँ से बिजी चल रही हो या फिर आप यहाँ से आयरिस स्कैनर को ऐड करवाना चाहते हैं। इस प्रकार फ्रेंड आप यहां से अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवा सकते हैं, एनआईसी के द्वारा उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। क्योंकि जब आप यहां से कस्टमर केयर में बात करेंगे तो बताया जाता है कि जो इनके अधिकारी रहते हैं उनको जवाब देना पड़ता है। अगर कंप्लेंट रहेगा फिर तो आयरिस का जो भी रहेगा उसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे, और डिवाइस जो भी है फ्रेंड आपकी बिजी चल रही है और फ्रेंड आपकी डिवाइस में जो लाइट नहीं आ रही वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड इस प्रकार आप अपनी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताया हूं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाके फॉलो करें। मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में मैं नए नए अपडेट डालता रहता हूं तो आप जाके वहां फॉलो जरूर करें। चैनल पे हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक ऑल पे क्लिक करें। अगर आप हम पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा चैनल पे डेली नॉलेजबल वीडियो अपलोड होते रहते हैं, जिसको पहले आपको पहुंच जाएगी इंटरेस्ट जल्दी।